हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज थर्ड करने वाले हैं। तो 3.4 एक्सरसाइज आपको पता है सिलेबस से काट दिया गया है, तो हमें करना भी नहीं है वो। और चैप्टर फोर्थ भी काट दिया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और पढ़ते रहें, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है ये मजाक मजाक क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है, देखो टू कॉस कॉस ए कॉस बी, हमारे पास एक टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, वो आपको पता भी होगा, कई बच्चों को याद है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। हमें जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो मैंने क्या कहा था, देखो एक चीज और है, अगर ये आंसर जीरो आ रहा है तो या तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, या तो इनकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सारी वैल्यू जीरो होने लायक तो लग नहीं रहा, इनकी शक्ल देख के लग तो नहीं रहा कि ये जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमें ये करना है अब ये कैंसिल आउट हो जाए। अब कैंसिल आउट मतलब इसमें से ही कुछ निकलेगा, क्योंकि यहां भी कॉस आ रहा है, यहां भी कॉस आ रहा है, कितने फोर कितने कॉस हो गए, फोर कॉस हो गए, तो दो कॉस कट जाएंगे और दो पेयर बन जाएंगे और वो कट जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं वो देखते हैं अभी। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 9π/13 cos π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है, वो हो जाएगा। फॉर्मा लगा रहे हैं, ये ए है ये बी है, तो क्या होगा कॉस 9π प्लस, देखो क्या है ए प्लस बी है, 9π में पाई ऐड करोगे तो 10π/13, फिर प्लस कॉस, ये तो समझ आया होगा, ऐड तो कर ही सकते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये सॉरी 3π ऐड करेंगे, सॉरी हम ये करना है ना, तो ये आ जाएगा 8π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 10π/13 है, ये 8π/13 है। अब देखो यहां पे 3π है, अगर मैं देखूं 13 में से 10 गए तो 3 आ सकता है, ये 5 है, 13 में से 8 गए तो क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। तो मैं करने वाला क्या हूं, cos पाई माइनस 10π, इसे लिख सकता हूं मैं 3π/13। अब देखो ये मतलब क्या है, 13 में से 3 या 10 आएगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो 13 माइनस 3 10 आ रहा है, ये ठीक है। इसको देखते हैं, cos पाई माइनस 5π/13 और प्लस में cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। अब देखो बेटा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्या होता है माइनस cos थीटा, ये पढ़ चुके हैं आप लोग कि 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जैसा कोई इंसान रहता नहीं है, और कोई इंसान रहता नहीं है तो उसके लिए वो क्या है, नेगेटिव है, रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए। तो इसको लिखेंगे माइनस cos 3π/13 और इसको लिखेंगे माइनस cos 5π/13, ये प्लस cos 3π/13 है और ये प्लस cos 5π/13 है। तो आप देख सकते हो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, एंड दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि ये भी जीरो आ रहा है, या तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने आप जीरो हो जाएंगे, अपने आप जीरो होने वाली शक्ल इनकी लग नहीं रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट ही। देखो इसका फॉर्मूला पता है, आज मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसको याद करना था आपको, 3x + x 4x/2 फिर cos 3x - x 2x/2 और इनटू में क्या है sin x, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसके बाद देखो यहाँ पे cos 3x और माइनस sin x का फॉर्मूला था, माइनस 2 इन दोनों को ऐड कर दो तो sin 4x/2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो sin 2x/2 इनटू में cos x, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 2, ये कट जाएगा 2 पे तो sin 2x, ये कट जाएगा 2 पे तो ये आ जाएगा cos x इनटू में sin x माइनस 2 sin 2x, ठीक है, sin 2x ही आएगा, ये आ जाएगा sin x क्योंकि 2 से कट गया ये, और ये cos x। अब देख सकते हो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो मैं एक करा रहा हूँ, एक दूसरा आप खुद कर सकते हो। cos cos है तो cos ही बनेगा, आपको पता है, कई बच्चे इसे ओपन कर देते हैं, ओपन नहीं करना आपको, हो सकता है वैसे ओपन मत कर देना, cos square x plus cos square y plus 2 cos x into cos y, ये मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, इसमें फॉर्मूला 2 cos x plus y by 2 और
साइन आ जाएगा एक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो हम क्या आएगा, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब देख सकते हैं इसमें से फोर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमन आ रहा है, तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, बचा क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। अब मैं इसकी जगह वैल्यू लिख रहा हूँ वन, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने इसकी जगह वन क्यों लिख लिया। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है वन। ठीक है, तो फटाफट बताओगे आप लोग कमेंट करके कि इसकी वैल्यू वन क्यों लिख दी मैंने। ठीक है, अब देखते हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ना हमेशा पेयर बनाने होते हैं। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, x और 7x 8 होता है और 3x plus 5x 8 होता है। अगर मैं x और 3x बना रहा हूं तो ये 4 और 5x और 7x 12, तो हमें वो पेयर बनाने हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे एंगल है। तो हम लिखेंगे sin 7x plus sin x plus sin 5x। ठीक है, आपको ये याद रखना है तभी क्वेश्चन होगा इजीली। sin का फॉर्मूला हमें पता है 2 sin 7 plus x, ये आएगा 8x divided by 2 और cos सबट्रैक्ट कर दो 6x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 sin 8x डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 2। अब ऐसा सोच रहे हो कि करना क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि कुछ कॉमन आ जाए इसमें से। तो देख सकते हो ये वाला कॉमन आ जाएगा इसमें से, मतलब sin 4x और 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे cos, ये 3 पे कट जाएगा 3x और यहाँ पे कट जाएगा तो ये x। इसका देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, साइन 4x cos 3x और cos x प्लस cos x का फॉर्मूला, cos इन दोनों को ऐड कर दो तो 4x डिवाइड बाय 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 2x डिवाइड बाय 2, ये 2 पे 1 पे कट गया, 2 पे 2 पे कट गया, तो 4 आंसर लिख दो। अब ये cos x आ गया, ये cos 2, ये cos 2x आ गया और ये sin 4x है। देख सकते हो कितना इजीली क्वेश्चन हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताया करो मुझे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने तो खुद ही पेयरिंग करके दे दिया है, तो मजाक क्वेश्चन है। लगा दो फॉर्मूला 2 साइन, इन दोनों को ऐड करो 12x डिवाइड बाय 2, फिर सब्ट्रैक्ट करो कॉस आएगा यहाँ से, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 साइन ऐड कर दो 12x डिवाइड बाय 2 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉस यह आ जाएगा 6x डिवाइड बाय 2 अपॉन में यहाँ जाएगा 2 कॉस 12x डिवाइड बाय 2 cos 2x डिवाइड बाय 2 और ये 2 cos 12x डिवाइड बाय 2 और क्या जाएगा cos ही आ जाएगा 12x आ गया और cos सबट्रैक्ट कर दो बेटा 6x डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो देख सकते हैं यहां से 6 कट गया, यहां से भी 6 चला गया, ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 6 पे गया, 2 से 3 पे गया, 2 से 3 पे गया और 2 से, अब कुछ मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे इसको काट देते हैं, कैसे इस 2 को 2 से काट देते हैं, पता नहीं कैसे काट देते हैं। जब भी आपका सेपरेट नहीं है आप नहीं काट सकते। आप देख सकते हो sin 6x ऊपर से कॉमन आ रहा है, cos 6x नीचे से कॉमन आ रहा है, तो sin 6x अपॉन में cos 6x। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 2 भी कॉमन ले सकते थे, सर ले लो कॉमन, मना थोड़ी है। अब यहां भी क्या आएगा cos x प्लस sin 3x और नीचे भी देख सकते हो cos x प्लस साइन 3x। हाँ, अब कैंसिल आउट हो सकते हैं ये आपस में क्योंकि कॉमन आ गया है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ये मल्टीप्लाई में थे, 2 से 2 कट गया, आंसर आपको पता चल चुका है क्या आ गया tan 6x। और आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मजाक क्वेश्चन है, आपको कौन से बनाने हैं, इन दोनों का एडिशन कब्स मीन 2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस 4x डिवाइड बाई 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2x। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम क्या होगी, cos 2x। अब आप लोग मुझे बोलोगे, बोलना भी चाहिए हक है आपका, अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि हम ये इसलिए करते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए, लेकिन अब तो फेल हो गया वाला केस, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अब कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन लाएंगे कैसे, नहीं आएगा देखो 2 cos 2x sin x और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x
इंटू कॉस एक्स, कॉमन क्या रहा है 2 साइन एक्स, क्या आ गया कॉस 2x प्लस में कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला आपको बचपन से याद है और नहीं है तो याद करो, कॉस 3x बाई टू और कॉस 2x में से x गया x बाई टू, आंसर लाना है तो 4 साइन एक्स कॉस 3x बाई टू और कॉस x बाई टू, यही आंसर है। इसको उधर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में है। तो ये अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, 10x माइनस 4 बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, ये कौन सा अब क्या आ गया? ये देखो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, अब इसे ध्यान से समझोगे, आगे के दो क्वेश्चन आपको खुद करना है। हमने कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x का एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो मैं इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x, आया समझ? ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 प्लस कॉस 2x और 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स जो आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और कॉस एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट के अंदर प्लस माइनस 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पे क्या है प्लस है, नहीं सॉरी यहाँ पे x है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे x है तो यहाँ 2x आ रहा है, मतलब दुगना आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। यहाँ भी x है तो यहाँ 2x आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह साइन x बाई 2 लिख दूँ, इसकी जगह अगर मैं साइन x बाई 2 लिख दूँ तो प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस x नहीं हो जाएगा, ये इसका ट्वाइस क्या होगा x बाई 2 का x होगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉस x बाई 2 लिखूँ तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉस x डिवाइड बाई 2, और ये भी प्लस माइनस। अगर मुझे 10x बाई 2 निकालना है तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स, वो भी प्लस माइनस में। क्या क्या हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 10x होता है क्या है, 10x बाई 2 होता क्या है साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको लगाने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब 10x दे रखा है तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ट्राइंगल मेथड, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओगे मुझे फटाफट, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एक्स का कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस। अब जस्ट क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट करनी है। तो देख सकते हैं हम साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस है, तो क्या करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 बाई 5 अपॉन में 2। सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 8 बाई 10, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4 बाय 5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन में रूट 5, रैशनलाइज कर देना तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 अपॉन में 5। ऐसा हो सकता है कि ये दूसरा ऑप्शन दे रखा हो, मतलब आंसर में अलग दे रखा हो, मतलब पहला आपको ये कॉस एक्स बाई 2 दे रखा हो, दूसरा साइन एक्स बाई 2 दे सकता है, हो सकता है आंसर के अंदर। अब देखो नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस एक्स बाई 2 की, तो प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कॉस एक्स बाई 2 लेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस 3 बाय 5 अपॉन में 2, सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर 2 अपॉन में 5 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 अपॉन में रूट 5 आ जाएगा, रैशनलाइज कर देना तो ये आएगा रूट 5 बाय 5। अब प्लस माइनस में आ रहा है ना, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जो भी ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये एक्स एंगल के लिए होता है, ध्यान समझना, मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स जो है वो 180 से लेकर 90 तक है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि 90 से लेकर 180 तक। अगर मैं x बाई 2 की बात करूं, x बाई 2 की बात करूं तो ये 45 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 90. अब 45 से 90 के बीच में सारे एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव. तो हमें यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा. इसे ध्यान से समझना. अगर ये समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना. x की वैल्यू जो x है एंगल वो 90 से 180 तक है और हमें x by 2 एंगल चाहिए क्योंकि x by 2 निकाल रहे हैं तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया. अब हमें tan x by 2 निकालना है तो tan x by 2 कैसे निकालेंगे? अच्छा यहाँ पे 5 था, इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा हमारे पास? 2√5/5 और √5/5. तो ये कट गया पूरा. आंसर क्या आ गया? 2. तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा. तो अब आपको 9th और 10th क्वेश्चन खुद से करके देखना है. अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना है और आपको इसे फिर नोटबुक में रिटर्न करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है. ठीक है.